Assalamualaikum dear friends. Today it's once again with a new video with the Kamran Ali Lashari from the Spark Academy Larkana. जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे और राइट यूजेज सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के क्या है. पहले हमने चार पांच कुछ पार्ट्स पढ़े थे. अब सेकंड पार्ट्स ऑफ वीडियो इन दिस वी विल डिस्कस द फर्दर मोर यूजेजेस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. लेट्स डिस्कस अबाउट वन बाय वन. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड बिफोर दिस इससे पहले हम पढ़ चुके हैं. दिस इज स्पेशली फॉर दोस कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन आई थिंक सो इट्स वन ऑफ मोस्ट स्पेशल वीडियो फॉर ईकेट एमडीकेट स्टूडेंट्स फॉर द 2023. What is subject verb agreement? This we have already discussed in first video. हमने पहली वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि subject verb agreement है क्या. आए second part में देखते हैं कि first वाले में हमने लिखा है कि with the name of all subject use singular verb. जो all subjects such like subjects कौन से subject? This is not an English such type a doer of an action or to whom we speak about. This is not a subject, but this is a name of subject. जैसे के निसाबों के names, for an example, mathematics, chemistry, bio, physics, such like mathematics. हम क्या use करते हैं? Mathematic और कभी-कभी use करते हैं mathematics. Is my interesting subject. उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे. सच लाइक यहां पे देखेंगे कि फिजिक्स, हम फिजिक्स के साथ क्या यूज करेंगे? सच लाइक फिजिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसके साथ, फॉर एन एग्जांपल व्हेन वी मेक अ प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट वी यूज एस. हम क्या करते हैं? अगर सब्जेक्ट्स को प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या उसके साथ एस का इजाफत कर देते हैं तो वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं चेयर, दिस इज अ सिंगुलर. अगर इसका प्लूरल बनाएं तो कैसे करेंगे? चेयर्स. यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है चेयर्स. तो इस एज समहाउ इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग प्लूरल वन. तो यहां पे हम क्या करेंगे? फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो हम यहां पे इज लिखेंगे. डू नॉट यूज आर हेयर, सच लाइक मोस्ट पीपल आर वेरी कंफ्यूज अबाउट दैट. तो यहां पे क्या करते हैं? आर लिखते हैं. फिजिक्स आर माय favorite subject. This is wrong one. Do not use that. I note ke taraf. When mathematics take R, it means this is not about a subject. Jab mathematics apne saath kya lagega? Kya lega? R. Jab hum mathematics ke saath R ka istemal karein, to kya karenge? Is it right one? Yes, it would be right one, but it will change its condition. To wo apne saath R to lagaye बन लेगा मगर उसके साथ एक कंडीशन चेंज होगी. कौन सी वाली कंडीशन? हमने लिखा है यहाँ पे व्हेन मैथमेटिक्स टेक्स आर इट मींस सम्स. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जब मैथमेटिक्स अपने साथ आर लेगा तो हम वहां पे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम वहां पे सम्स की बात करेंगे. सम्स की, फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कहें मैथमेटिक्स आर सोल्ड, मैथमेटिक्स आर सोल्ड यहां पे लिखते हैं मैथमेटिक्स आर सोल्ड. तो यहां पे देखें, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट सम्स हियर. आई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. आफ्टर इन्फिनिट यूज सिंगुलर वर्ब. तो हमने लिखा है यहाँ पे कि इन्फिनेट के जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इन्फिनेट समहाउ इट्स प्रीसीडेड बाय टो. यहाँ पे देखें, इन्फिनेट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यूज सिंगुलर वर्ब. डू नॉट यूज प्लूरल आफ्टर द इन्फिनेट वर्ब. फॉर एग्जांपल टू वर्क हार्ड इज, यहां में हमने क्या इस्तेमाल किया है? यूज सिंगुलर वर्ब, तो हमने यहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे. आए देखें, टू वर्क हार्ड, टू गो, इसी तरह हम इन्फिनिट के साथ
सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट वन है आफ्टर जेरंड। अब जेरंड और इन्फिनिट वी विल डिस्कस फर्दर मोर अबाउट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हियर आफ्टर जेरंड सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में इन्फिनिट और जेरंड बोथ विल टेक सिंगुलर वर्ब। तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, ये आपस में सिंगुलर वर्ब देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। यहां पे देखें स्मोकिंग इज दिस इज अ जेरंड वन। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब दो यहां पे हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, एक आफ्टर जेरंड सिंगुलर वर्ब इज यूज सच दिस इज अ जेरंड। स्मोकिंग इज बैड हैबिट, रनिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो दिस इज अ जेरंड एंड दिस इज अ we would say infinite. So let's learn about the second part of video has been done. Let's learn furthermore and inshallah we'll meet again with a new video.